नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया। इमरान खान को भारत आने का न्योता देगी मोदी सरकार। क्या आएंगे पाक प्रधानमंत्री इमरान खान? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भारत आने का न्योता भेजा जाएगा। इस साल के आखिर में होने जा रहे संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी भारत करेगा, लिहाजा सदस्य देश के राष्ट्राध्यक्ष होने के नाते मोदी सरकार इमरान खान को भी इस समिट में शामिल होने के लिए न्योता भेजेगी। दोनों देशों के बीच बातचीत बंद होने के बाद ये पहला ऐसा मौका होगा जब इमरान खान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी एक कार्यक्रम में साथ आ सकते हैं। आमतौर पर SCO में सरकारों के प्रमुखों की मीटिंग में विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं। हालांकि कुछ देशों के प्रधानमंत्री भी इसमें हिस्सा लेते हैं। भारत की बात की जाए तो उसकी तरफ से सरकारों के प्रमुखों की बैठक में विदेश मंत्री हिस्सा लेते हैं, जबकि SCO राष्ट्र प्रमुखों की मीटिंग में प्रधानमंत्री शिरकत करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान भी SCO का सदस्य है, ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि उसकी तरफ से कौन भारत आता है। क्या है SCO? SCO का जन्म औपचारिक तौर पर 2001 में हुआ था। इसकी स्थापना चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने मिलकर की। इस संगठन का मकसद आतंकवाद को रोकना और आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना था। भारत और पाकिस्तान को इस संगठन में काफी देरी से एंट्री मिली। साल 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों को एक साथ इस संगठन के सदस्यों में शामिल किया। हालांकि इससे पहले 2005 से ही भारत SCO में ऑब्जर्वर के तौर पर शिरकत कर रहा था। जून 2019 में बिश्केक में हुए SCO समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उन्होंने यहां आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट होने की अपील की थी। PM मोदी ने अपने भाषण में सदस्य देशों से आह्वान किया था कि आतंकवाद के मुद्दे पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बुलानी होगी और आतंकवाद का सफाया करने के लिए सबको एक होने की जरूरत है। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। SCO सदस्यों को आतंकवाद का सफाया करने के लिए SCO रेड्स के तहत सहयोग की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहिए। भारत आतंकवाद से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन का आह्वान करता है। इस साल SCO समिट के लिए भारत को मौका मिला है। हाल ही में SCO के महासचिव व्लादिमीर नोरो भारत दौरे पर थे। उन्होंने समिट की तैयारियों का जायजा लिया। अब देखना होगा कि पाकिस्तान भारत के इस न्योते को स्वीकार करता है या नहीं, और अगर करता है तो पाकिस्तान की तरफ से इस समिट में हिस्सा लेने के लिए कौन भारत आएगा। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिपोर्ट्स इंडिया की खबर।